अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इस बीच शनिवार को AIUDF प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें सतर्क रहना होगा। मुस्लिमों को 20 जनवरी से 25 जनवरी तक ट्रेन से यात्रा नहीं करनी चाहिए। राम जन्मभूमि में राम की मूर्ति रखी जाएगी, पूरी दुनिया इसकी गवाह बनेगी, लाखों लोग आएंगे, बीजेपी की योजना बड़ी है। इस दौरान हमें ट्रेन से यात्रा नहीं करनी चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए। बीजेपी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बीजेपी हमारी जान, हमारी आस्था, हमारी अजान की दुश्मन है। वहीं इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। और आपने देखा होगा वो मुसलमानों को डराएं, धमकाएं, उनमें भ्रम पैदा करें, लेकिन इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे, उनके पिताजी, वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ही समाज के लिए, ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। इनके तरह नहीं है कि जो नहीं माना मुस्लिम धर्म वो काफिर है, यही लोगों का धर्म है बदरुद्दीन का।